फ्रेंड्स, न्यू हेल्दी किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज चटपटा छोले और पालक पूरी बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आलू, भिगोए हुए काबली चने, कटे हुए एक कटोरी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, दो टमाटर और साथ ही छौंक लगाने के लिए मसाले। अब हम कुकर में छोले और आलू को डालेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें एक कटोरी पानी और एक चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि मेरा छोले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको 3 सीटी आने तक बॉयल करेंगे और जब तक छोले बॉयल हो रहे हैं तब तक आटा हम गूंथ लेंगे। इसके लिए 250 ग्राम पालक लिया है जो अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके डंठल वाला भाग को काटकर अलग कर देंगे, इसका यूज हम नहीं करेंगे। इधर एक बड़े कटोरी से गेहूँ का आटा लिया मैंने। अब इसमें 2 चम्मच चावल का आटा मिलाना है, साथ ही मिला देना है 2 चम्मच बेसन। इसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच अजवाइन और कलौंजी। अब सभी को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके साइड कर लेना है। इधर हम रखेंगे पालक जो महीन कट करके रखे हुए हैं। एक ही बार हम पालक को नहीं मिलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। फ्रेंड्स, पहले मैंने नमक आटा में इसलिए नहीं मिलाया ताकि मैं पालक में मिलाऊंगी। 2 हरी मिर्च जो महीन कट करके रखा था उसको भी इसमें मिला लिया है और ऐसे हाथ से अच्छी तरह से मैश करने के बाद ही हम इसको आटा में मिलाएंगे और थोड़े थोड़े पानी डालकर गूंथेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें पालक भी पानी छोड़ता है तो मेरे आटे जो हैं गीले हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पानी डालकर गूंथना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आटा हो गया है तैयार। 5 मिनट इसको हम रख देंगे फूलने के लिए। और इधर चलते हैं, जो मसाले रखे हुए हैं इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, 2 टमाटर और 4 से 5 टुकड़ा प्याज को हम एक साथ पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं पूड़ियाँ बनाने। इसके लिए ऐसे छोटे छोटे लोइयाँ बना लेना है और पूड़ियों को बेल करके रख लेना है, तभी तलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो बड़े पूड़ी भी बेल सकती हैं। बड़े बेल करके उसको एक छोटे कटोरी से गोल गोल कट कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटे लोइयाँ करके छोटे छोटे पूड़ियाँ बेल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये बेल करके हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं तेल को चेक करने। तो देखिए तेल पूरी तरह से गर्म हो गई है। अब हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। धीरे धीरे पूड़ियों को तल लेना है। ऐसे करते हुए धीरे धीरे हम इसको तलेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। सुनहरा होने तक पूड़ी को तलेंगे। हमें ज़्यादा व्हाइट पूड़ियाँ नहीं निकालनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी सुनहरी सुनहरी पूड़ियाँ बन रही है। ऐसे ही सारी पूड़ियों को बना लेना है। तो मेरी सारी पूड़ियाँ बन के हो गई है तैयार। तो अब हम चलते हैं छोले बनाने। छोले के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 3 से 4 तेजपात, 4 कली लहसुन, 3 से 4 लाल मिर्च। अब हम इसको सुनहरा होने तक भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को पूरी तरह से भून लेना है जब तक ये पूरी तरह से सुनहरा ना हो जाए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई मसाले। सारे मसाले को हम इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से भुनेंगे, क्योंकि मेरा छोले और आलू जो है अच्छी तरह से
पका हुआ है तो हमें मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए मसाले पूरी तरह से भून गई है। इसमें अब मैश किया हुआ आलू डालेंगे, साथ ही डालेंगे छोले। अब इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, साथ ही डाल देंगे एक चम्मच छोले मसाले और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसमें हमको ऐड करना है पानी। पानी आवश्यकता अनुसार हम डाल लेंगे ताकि हमें छोले जो है बिल्कुल मसालेदार होना चाहिए। अब इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएंगे और इसको ढक करके 2 से 3 मिनट हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए छोले बनके हो गए हैं तैयार। तो अब चलिए इसको चखते हैं कि कैसा चटपटा बना हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स।